वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फिजिका एकेडमी। तो इसमें क्या करने जा रहे हैं हम लोग, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन एनसीईआरटी के। तो बच्चों इसमें पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, एक चीज का ध्यान रखना कि आप लोगों को यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे, क्वेश्चन आप लोग जो है नोट डाउन खुद ही करेंगे अपने आप से, या आप अपने पास में क्वेश्चन की वो रख लेंगे, बुक रख लेंगे, सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, आपको चार दे रखा है, Q1 की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको 2 × 10⁻⁷ एंड Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁻⁷। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्जेस दिस एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा एक चीज का ध्यान रखें यहाँ पे, जो 30 सेंटीमीटर है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इसको एसआई यूनिट के अंदर, क्योंकि एसआई यूनिट में हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एसआई यूनिट में है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स से फोर्स का वो होता है 1/4 πε0 Q1 Q2 r². तो अब क्या करेंगे देखो, जब हमें फोर्स निकालना है, यही तो पूछ रहा है वो, एफ बराबर ?? फोर्स पूछ रहा था, डिस्टेंस दे रखी है, चार्जेस दे रखे हैं, फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूले में पुट करते समय हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷ अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 × 10⁻²। ठीक है ना। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कराइए, 9 × 2 = 18, 18 × 3 कितना हो जाएगा, 54। 10⁻⁴ गिनिए, देखो -7 होगा -14, -14 में से प्लस के 9 जाएंगे तो 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, -5 अपॉन 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 900 × 10⁻⁴ हो जाएंगे -4। अब क्या कर सकते हैं, ये दो जीरो है तो दो जीरो से ऐसे ऐसे हटा देते हैं और एक काम कर देते हैं, यहां पे 10⁻⁪ लिख देते हैं। अब देखिए -4 + 2 कितना रह जाएगा, तो रह जाएगा -2, तो मैं डायरेक्ट कर दूं तो देखो यानी कि रह गया हमारा -2। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होगा, फिर इसके बाद जाके ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो +2 हो जाने के बाद क्या करेंगे देखो, एफ बराबर देखिए जरा यहां पे, F बराबर 9 से ये गया कितने बार में, 6 बार में ये गया, तो कितना आ जाएगा 6 × ये -2 ऊपर गया तो कितना आ जाएगा -5 + 2, ठीक है ना। तो अब कितना आ जाएगा आंसर, F बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें ये और पूछा कि नेचर क्या होगा, तो भाई देखो दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो नेचर कैसा होगा इन दोनों का, रिपल्सिव। ठीक है, अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 μC, यानी आपको चार्ज की वैल्यू दे दी है 0.4 μC। ठीक है, इसको सबसे पहले तुरंत बदल दो भाई, 0.4 × 10⁻⁶ तुरंत बदल दो, ड्यू टू अनदर स्पेयर ऑफ अ चार्ज -0.8 μC, यानी 100% ये Q1 है, तो अगला वाला क्या है बच्चों Q2, उसकी वैल्यू कितनी है -0.8 μC, तो इसे लिख दो -0.8 × 10⁻⁶। अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है, इनके बीच का जो फोर्स है वो गिवन है हमको, कितना है 0.2 N। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्पेयर्स, यानी r आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरा क्या कह रहा है, वॉट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट, सेकेंड पूछ रहा है, वॉट विल बी द फोर्स ऑन सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड स्पेयर
ड्यू टू फर्स्ट, ये वो कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें आर पूछा है तो आर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कौन सा है, एफ बराबर 1/4 Q1 Q2 R2। तो हमें यही तो पूछ रहा है, क्यों क्या करें, आर स्क्वायर को इधर कर देते हैं, एफ को नीचे ले जाते हैं, 1/4 Q1 Q2 F ये हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर एक काम करते हैं, आर स्क्वायर है तो यहाँ रूट चढ़ा देते हैं। इसकी वैल्यू अभी सिखाइए थोड़ी देर पहले कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है, Q1 हमारे पास 0.4 × 10⁻⁶। Q2 कितना है, 0.8 × 10⁻⁶ अपॉन इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है, 0.2। ठीक है कि नहीं, अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटाया तो ये गया 2 times, ठीक है, इस पॉइंट से हटाया तो नीचे आ गया 10। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यानी 10 है तो 10⁻¹ हो गया, ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो 10⁻¹ आया, 9 × 2 = 18। अब देखो, और 18 × 8 कितना होता है बताओ, 18 × 8 करो, 8 × 8 = 64, कैरी 6 = 144 होता है, लिख दो 144। किस किस का मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखो, 9 का किया, 2 का किया, 8 का किया, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, 144 आंसर आया। अब बात आती है 10⁻¹ वाला को और देखना है हमें, तो जरा ध्यान से देखो, 10⁻¹⁶ एक ये है, 10⁻¹⁶ एक ये है, तो ये दोनों मिलके तो -12 हो गए, ठीक है कि नहीं, -12। और हमारे पास ये माइनस कितना है, 12 में से जो है 9 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 9 है, तो माइनस का 3 और एक ऊपर और चली जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे सॉल्व कर देता, देखो 10⁻¹⁰ तो जे हो गया, इंटू 10⁻⁹ ये वाला हो गया, इसे ऊपर भेज दे रहा हूं, 10⁻¹ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि प्लस 1 है, ऊपर जाके -1। अब जरा एक बात बताइए, 10⁻¹⁰ और -12 मिलकर कितने हो गए, -13। -13 में से 9 जाएंगे तो कितना रह जाएगा बताइए, यानी कि 10⁻¹⁰ में से 9 गए तो -4, तो यानी कि अब क्या कर सकते हैं, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 10⁻¹⁔। अब इसको से डिवाइड दे दो तो आ जाएगा 0.12, ठीक है, समझ में आया, 0.12 आंसर इसका हो गया है। किसमें लिखा हमने, ये मीटर में। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बात है कि हमको दूसरा वाला पार्ट पूछ रहा है, फोर्स ऑन द सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो भाई फोर्स तो हमें पहले दे रखा है 0.2 न्यूटन, लेकिन हमें अब ये देखना है कि ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अच्छा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंड किस पे करता है बच्चों, उन दोनों चार्जेस के नेचर पर, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कैसा नेचर होगा इन दोनों के लिए इस फोर्स के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव चार्ज तो हमारे पास एक ये है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास एक ये है, फोर्स हमारे पास ये है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हेंस द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान रखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे। अब बच्चों जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है कि सबसे पहले चेकआउट करें कि ये जो वैल्यू उसने दी है वो हमारी डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन 3 की, तो उसमें उसने कुछ क्या दिया हुआ है, देखिए उसमें दिया हुआ है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये कुछ दे रखा है। अच्छा, जब इसने ये सब दे रखा है, हमें सब पता होना चाहिए, यहाँ पे के क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है, और जो है हमारा ई क्या डिनोट कर रहा है, जी क्या है, एम ई क्या है, एम पी क्या है, तो मैं सारी चीजें आपको पहले 1 by 1 बता देता हूँ। यहाँ पर K जो है इसकी वैल्यू हमको पता है 1/4 πε₀ होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी K की वैल्यू 1/4 πε₀ होती है, कहाँ से आता है, ये फोर्स उसी से आता है जो हम लोगों ने पढ़ा है 1/4 πε₀ Q1 Q2 R2, इसी फॉर्म में से आता है, तो 1/4 πε₀ की वैल्यू क्या हो जाएगी, F×R2/Q1 Q2। तो यहाँ से इसकी SI यूनिट निकालिए जरा,
क्या हो जाएगी, देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन इंटू डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर, लेकिन उसका क्या हो रखा है ध्यान से देखो, स्क्वायर अपॉन ये चार्जेस है तो कूलाम इंटू कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर, ये हो गई वैल्यू। अच्छा ये के की वैल्यू तैयार हो गई, अब क्या जान आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है ई स्क्वायर। देखो ये फर्स्ट हो गया, अब ई पे आओ, ई का मतलब क्या है, ये चार्ज है ठीक है कि नहीं, और चार्ज है तो ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी कूलाम, ठीक है कि नहीं, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम। आगे की बात क्या है, जी, जी जो है ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, तो यहां से क्या हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां पे अब देखो इसकी ऐसा यूनिट जी की तैयार हो गई, हमारे पास क्या आई है, क्या आई है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा अब हमारे पास किस किस की यूनिट तैयार हो चुकी है, इसकी यूनिट तैयार हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, यहां तक कंप्लीट हो गया, यानी ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये तो हमें पता है एमई और एमपी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, अब मैं इसे हटा देता हूं ठीक है। देखो अब हमें पता चल गया ये सब यूनिट तो पता चल गई है, अब हमें एमई और एमपी भी पता है, एमई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है किलोग्राम, ऐसी क्या है नेक्स्ट मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन की ऐसा यूनिट भी क्या है हमारी किलोग्राम। जरा ये सारी यूनिट्स को पुट करो, कौन कौन सी यूनिट, देखो एक यूनिट तो ये रही, मैं सर्कल ये कर दे रहा हूं ब्रैकेट में, एक ये यूनिट, एक ये यूनिट, एक ये यूनिट, ऐसी एक ये दोनों यूनिट, सारी की सारी यूनिट इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करनी है और देखना है कि क्या डायमेंशनलेस हो रहा है। तो करते हैं डायमेंशनलेस के लिए, देखो अभी मैं पहले यूनिट से पहले चेक कर ले रहा हूं कि पहले यूनिट के रिस्पेक्ट में, फिर उसके जाके हम लोग डायमेंशन पे भी आएंगे, मैं डायमेंशन से भी बताऊंगा इसको, दोनों तरीके से मैं आपको डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी यूनिट लगाओ के की, क्योंकि आपको भी पता है यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन ऑटोमेटिक नहीं होगी, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखो सबसे पहले के की लगाई, के की क्या है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अच्छा ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तो कूलाम ही है, तो कूलाम स्क्वायर इसकी हो गई। तो के की कंप्लीट, ई की कंप्लीट, जी की लिखो, जी की क्या है ये रही, लिखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की लगाओगे तो ये भी क्या हो जाएगी किलोग्राम स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर गया, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर गया, सब चले गए, तो हैंस इट हैज नो डायमेंशन एज वेल एज नो यूनिट। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये ठीक है। तो बच्चों अब क्या करना है हमें, ये जो वैल्यूज मतलब उसने क्वेश्चन में दी है, इसमें वैल्यू हमें पुट करके और देखनी है इनकी क्या क्या होती है। देखो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इस के की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/4πε0, और लिखते क्या है हम लोग 9 × 10⁻¹। ई क्या था, बार बार बताया था इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू होती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 6.67 × 10⁻¹⁻ ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा और क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों की वैल्यूज और हमें लिखनी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम ठीक है। अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, पुट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा 9 × 10⁻¹, कहां से आया भाई, के की वैल्यू लगा ये गिनती थी, फिर अब इलेक्ट्रॉन की लगानी, इलेक्ट्रॉन की ये रही 1.6 × 10⁻¹⁹ और उसका क्या स्क्वायर अपॉन जी, जी क्या है 6.67 × 10⁻¹⁹ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.1 into 10 to the power minus 31 into mass of proton 1.66 into 10 to the power minus 27. अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होता है. तो 9 into 10 to the power 9, 1.6 को खोलेंगे तो कितना आएगा 2.56, क्योंकि 1.6 का स्क्वायर होता है, मतलब 16 का स्क्वायर 256 होता है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 38 अपॉन 38 कहां से हुआ, पावर जो होती है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है, अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66, सारे डिजिट एक साथ ले लिए हैं और 10 टू दी पावर को एक साथ ले लेते हैं. एक साथ लेने का मतलब क्या क्या, देखो 31, 11, 27 सबको छोड़ दो, 7, 8, 9, 3 और 2, 3 और 3, 6, 69 हो जाएगा. ठीक है, ये 69 हो गया. अब क्या करना है इसके बाद, ये 69 को ऊपर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा. तो 9 इंटू 2.56 इंटू ये 69 ऊपर गया, 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर माइनस 38, 10 टू दी पावर प्लस 69 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66. ठीक है, अब इसे आप पूरा जब सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 2.287 इंटू 10 टू दी पावर 39. आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब इसमें क्या हमें सीखने को मिला है, ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, इसमें एक चीज का ध्यान रखें. तुम लोगों को पता होगा कि जो 11th क्लास में बताया जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हमारा है दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो इन दोनों में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो दोनों में से किसका नेचर, मतलब जो है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ज्यादा होता है. ठीक है, तो इसका दूसरे वाले आंसर यही हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन है 1.6, काफी अच्छा क्वेश्चन है 1.6 वाला. ठीक है, तो ये 1.6 वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्या कह रहा है, यहां पर आपको एक उसने स्क्वायर बना के दे दिया है. ठीक है, और ये मुझे कैसे पता चला स्क्वायर है, क्योंकि उसने बोला है कि चार चार्जेस हैं ए बी सी और डी, इन कॉर्नर पे रखे हुए हैं. अच्छा, ए पे कितना रखा है, यानी यहां पे जो क्यू ए है उसकी वैल्यू कितनी आपको गिवन है बच्चों, 2 माइक्रो कूलम. अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है -5 माइक्रो कूलम. इसकी वैल्यू कितना कितनी गिवन है क्यू सी की, 2 माइक्रो कूलम. अच्छा, और इसकी क्यू डी की कितनी गिवन है, क्यू डी की गिवन है बच्चों -5 माइक्रो कूलम. ठीक है, ये चारों वैल्यू उसने दे दी. अब वो क्या कह रहा है, ये चारों कॉर्नर पे रखे हैं ए बी सी डी स्क्वायर के कॉर्नर पे. अच्छा, अब क्या होगा, इसके बाद वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन अ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. यानी अगर जैसे मैं इसका सेंटर बना दूं, ये सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, जैसे मैं ओ मान ले रहा हूं और इस ओ पॉइंट पर इसने 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, 1 माइक्रो कूलम का. ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे ये इसका सबसे पहले नेचर चेक करना है चार्ज का कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी आते हैं एग्जाम में, तो आप जरा ध्यान से देखें कि कैसे क्या क्या होगा इसमें. सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए और ओ की बात करेंगे, इस ए और ओ की, तो यहां पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो चार्ज जो होगा वो रिपल्सिव होगा और मैं यहां लिख दूंगा एफ ए ओ. एफ ए ओ का मतलब क्या है, ए की वजह से ओ के ऊपर जो फोर्स लगा जो कि रिपल्सिव था, बाहर की तरफ था, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज. अच्छा, ऐसे ही अगर मैं ओ के ऊपर इसकी वजह से चेक करूंगा तो इधर आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी ओ. ये एफ सी ओ यहां क्यों आया, यहां पर, क्योंकि ये फिर वही वाली बात, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज. ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, इसका दोनों का नेचर ये रहा. ठीक है, अब अगला काम करते हैं.
इस चार्ज का नेचर कहाँ आएगा, क्योंकि ओ का ये सेंटर है, ये चार्ज है, तो ये टूवर्ड्स द चार्ज, क्यों, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्यों अट्रैक्टिव क्यों बोल रहा हूं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अच्छा अब फिर इसकी बात कर लेते हैं, अब ओ और डी की वजह से देखते हैं तो वो यहां आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एफ डी ओ। मैंने यही क्यों लिखा, फिर वही वाली बात, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब हमें ये देखना है इन चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना कितना आ रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे ही अब ये डिपेंड करेगा। तो जरा मैग्नीट्यूड निकालते हैं सबसे पहले हर एक फोर्स का। तो जैसे सबसे पहले हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, किसका निकाल लेते हैं एफ। अच्छा मैग्नीट्यूड एक काम और रह गया अभी बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड निकालने से पहले इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है पूरी। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हमें इसके डायगोनल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तभी आप इंडिविजुअल ये लेंथ को आप कैलकुलेट कर पाओगे यहां से यहां तक की। जब तक हमें डायगोनल नहीं पता होगा तब तक आप हाफ लेंथ नहीं ले सकते, और हाफ लेंथ में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे सेंटर पे चार लगा, तो सेंटर जैसे इसका 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 चारों का निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी के स्क्वायर के। अब आगे का काम क्या है, यानी कि ये टेन स्क्वायर बी सी स्क्वायर, मतलब ये भी टेन स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये टेन रूट टू बराबर ए सी, ठीक है। अब जिसके नई समझ में आया हो तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोबारा कर देता हूं, इसे हम लोग लिखते हैं 100, इसे भी लिखते हैं 100, ये ए सी और ये रूट के अंदर 100, इन दोनों में से कॉमन आ रहा बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 जो कि ए सी की वैल्यू हो जाएगी, तो यानी ए सी की वैल्यू क्या आई। अच्छा अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना रह जाएगा 10, तो आंसर आ गया 10 रूट टू, लेकिन ये किसमें है सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में करो, मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं ऊपर, यानी हमारी वैल्यू ए सी की आ गई है 10 रूट टू सेंटीमीटर, मीटर में किया तो 10 रूट टू इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 और मीटर, ठीक है। अब आगे का काम क्या करना है, ए सी की वैल्यू आई लेकिन हमें चाहिए किसकी, एओ की चाहिए, तो एओ की निकालेंगे चाहे सीओ की निकालेंगे चाहे ओबी की निकालेंगे चाहे हम डी ओ की निकालेंगे, सब में क्या करना पड़ेगा टेन रूट टू इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर में इस वैल्यू में 2 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो याद है कि 5। तो फाइनली हम कह सकते हैं ए ओ बराबर सी ओ बराबर ओ बी बराबर डी ओ 5 रूट टू इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले एफ ए ओ निकाल लो, एफ ए ओ क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r2, यही तो होता है, लगाओ वैल्यू 9 × 10⁻¹। Q1 कितना है, क्योंकि ए ओ निकाल लेना ए और ओ की वजह से, तो 2 × 10⁻¹⁶। अच्छा Q2 कितना है, 1 × 10⁻¹⁶ r, r क्या है इनके बीच डिस्टेंस, यानी कि 5√2 × 10⁻²² का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ ए ओ कितना आ जाएगा भाई 9 × 2 = 18, ठीक है, और 10⁻³ कितनी हो गई, चलो एक काम करते हैं 10⁻³ के लिए फिर वही वाली बात सॉल्व करके देखते हैं, −12 + 9 × + 9 तो ये −12 ये √2 का स्क्वायर करो तो 25 × 2 और 10⁻², ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्या किया है मैंने, ये क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2 ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले गए तो कितना रह जाएगा 18 × ध्यान से देखिए नीचे रह गया 50 और ये ऊपर गया, ऊपर गया तो प्लस के 13 में से ये गया तो 10, ठीक है कि नहीं। अब 0 से 0 गया, 5 से इसे काटिए तो 3 × 5 = 15 = 6, तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो 3.6 N आ गई एफ ए ओ की, ठीक है। देखो एफ ए ओ ऑटोमेटिक जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी ओ के, तो लिख देते हैं एफ ए ओ = FCO, क्यों
बिकॉज दोनों का जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, ठीक है, तो ये 100% एक दूसरे को फिर जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी, यानी 3.6 न्यूटन। ठीक है, अब आगे का काम करते हैं, अब आगे का काम क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट निकाल लेते हैं, ये हटा दे रहा हूं मैं यहां से। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, एफ ए ओ निकाल लिया, सी ओ निकाल लिया, अब एफ डी ओ और बी ओ निकाल लेते हैं। तो एफ जैसे मैंने अगर डी ओ वाला निकाला तो वो कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के मतलब 9 × 10⁻¹, क्यू वन मतलब कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁶, क्यू टू कितना हो जाएगा वही सेंटर के रिस्पेक्ट में 1 × 10⁻⁶ अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये रही 5√2 × 10⁻², और इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 9 × 5 = 45, ठीक है, × 10⁻³ कितनी रह जाएंगी, −12 में से 9 गए तो −3, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और −3 ये हो गया और ये +4 ऊपर गया तो 10⁻⁶ अपॉन 5 का स्क्वायर 25 × 2 यानी कि 50, फिर यहां से 0 से 0 गया, 5 से ये गया 5 × 9 = 45, तो एफ डी ओ भी आपने निकाल लिया। तो अब आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि एफ ए ओ ये दोनों बराबर है, इसी तरह से एफ डी ओ और ऑटोमेटिक एफ डी ओ के साथ में और कौन बराबर हो जाएगा, एफ बी ओ, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 9 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अब अगर हम नेचर की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मतलब उस पे साइड्स पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब फोर्स का देखो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन हर बार मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है चेक करो। जैसे अगर हम बात करें एफ ए ओ एफ सी ओ, एफ ए ओ ये रहा, एफ सी ओ ये रहा, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम आया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही इन दोनों की बात करें तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए जरा नेट फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, एफ नेट यानी एफ रिजल्टेंट फोर्स, जरा सबको जोड़ दो, यानी एफ ए ओ प्लस एफ सी ओ प्लस एफ डी ओ प्लस एफ बी ओ, ये सो सब कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आया, क्योंकि देखो देखो जरा, अगर पहला वाले को अगर पॉजिटिव ले ले रहा हूं, इसका इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसको भी ऑटोमेटिक नेगेटिव लेना पड़ेगा, फिर डी ओ का लिखा मैंने एक को पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक दूसरे को नेगेटिव, तो टोटल जीरो आ गया। और मैंने बता दिया है कि मैंने एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव क्यों लिया है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर के हिसाब से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है तो ये देखिए सब कट गए, 9 से 9 गया, 3.6 से 3.6 गया। अच्छा बच्चों अब क्या करना है हमें, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सीधा 1.8, ठीक है, साफ दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा, 1.8 वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, अब दिख रहा है साफ, अभी भी थोड़ा ऊपर है, 1.8 वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो उससे ऊपर वाला थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल तो आप अपने आप भी कर लोगे, ये वाला मैं न्यूमेरिकल पोर्शन में करा देता हूं। अब इसमें क्या क्या दे रखा है देखिए जरा, जैसे टू पॉइंट्स है, ठीक है, टू पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है, जरा देख लेते हैं, ए पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट है हमारा बी। अच्छा ए वाले पॉइंट पे चार्ज रखा है 3 μC, यानी यहां पे रखा है 3 μC, और बी वाले पर भी रखा है −3 μC। अब क्या कह रहा है, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 20। अब जैसे बच्चों इस पे ए वाले की जो वैल्यू थी वो थी हमारी +3 μC और बी वाले की दे रखी है −3 μC। ये कह रहा है टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी यानी क्यू ए एंड क्यू बी, इनकी वैल्यू दे रखी है लोकेटेड 20 cm अपार्ट, ये दोनों आपस में 20 cm की डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट जैसे ये हो गया, ये मिड पॉइंट ओ, यहां पर क्या कह रहा है वो, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस यहां से जब 20 cm है
मिड पॉइंट आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऐसे यहां से कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आधे आधे दोनों डिवाइड करके, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो एट पॉइंट ओ, तो मतलब सबसे पहले अगर हम ई ए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4πε0Q/r², ठीक है। जरा वैल्यू लगाते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9×10⁻¹, क्यू कितना है 3×10⁻¹ अपॉन आर 10×10⁻², और उसका स्क्वायर, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं इसे, तो 9×3 = 27, 10⁻³ अपॉन 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10⁻⁴, ये हो जाएगा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं भाई, इसको एक काम कर सकते हैं, ये यहां से दो जीरो हटा दो, तो दो जीरो हटाएंगे तो -2 आ जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 27×10⁵, क्योंकि -2 पर जाके न्यूटन पर कूलम, -2 पर जाके +2 हो जाएगा। और चाहते वो तो इसे एक तरह और चारा सॉल्व करना डेसिमल में सिग्निफिकेंट फिगर लगा के, तो 2.7×10⁶ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, जितना ये होगा उतना ही ऑटोमेटिक बी वाले का हो जाएगा, यानी ईवी की वैल्यू भी यही रहेगी, क्या रहेगी 2.6×10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब ये कर लिया तो हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट ओ पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, एट मिड पॉइंट ओ पर जो पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दोनों को ऐड कर दो E1 और E2 को, तो कितना हो जाएगा E1 और E2, देखो जरा 2.7×10⁶ दोनों वैल्यू सेम है, तो 5.4×10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान के चलिए कोई एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5×10⁹ -9 कूलम, ये आपको वैल्यू दे रखी थी क्यू की। अब वो क्या कह रहा है, ये सेंटर पर प्लेस्ड हो जाए तब फोर्स जो होगा वो कितना होगा टेस्ट चार्ज के द्वारा, यानी यहां पर फोर्स रख दिया गया, ये यहां पे सॉरी चार्ज रख दिया गया इधर, तब वो पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स निकालने के लिए यहां का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E=F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, तो यहां से F की वैल्यू क्या आ जाएगी Q0E, तो ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज वैल्यू ये गिवन है क्वेश्चन में, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने ये वैल्यू निकाली है ये वाली, ठीक है कि नहीं, ये दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए तो फोर्स आ जाएगा, तो Q0 कितना है 1.5×10⁻¹ अब इलेक्ट्रिक फील्ड की और लगानी है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है 5.4×10⁻⁶ अब इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, यानी 5.4×1.5 5×4=20 5×5=25 27 54 कितना आ गया 0 1 8 81 आया, ठीक है। अब पॉइंट दो लग रहे हैं, एक ये वाला है ना, तो ये 8.1 हो जाएगा 8.1 और 10⁻¹ न्यूटन, ये आपका आंसर है, जो कि अलोंग एक्ट करेगा एक ही तरफ टूवर्ड्स द चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.9 की तरफ जा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1.9 को देखते हैं, तो उसमें क्या कह रहा है, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस, अच्छा ठीक है, टू चार्जेस मतलब एक वैल्यू दे रखी क्यू वे की, कितनी है भाई 2.5×10⁻¹ कूलम, ये दे रखी है, अच्छा, और क्यू बी की दे रखी है ऐसे, ठीक है क्यू बी की लिख दो, वो कितनी है -2.5×10⁻¹ कूलम, ये दे रखी है लोकेटेड एट द पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको 0.0, -15 सेंटीमीटर, ऐसे आपको
बी पॉइंट दे रखा है, बी है आपका 0.0 एंड प्लस 15 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। देखो फिर कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो पहले तो पूछ रहा है कि टोटल चार्ज कितना है, फर्स्ट में टोटल चार्ज ठीक है, और दूसरे बच्चों पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब नया कॉन्सेप्ट चालू हो चुका है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, तो देखिए जरा। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि इसके कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो जैसे ए वाले की बात कर रहे हैं तो उसने दे रखा है 0.0-15। हमेशा याद रखो जो पहला वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला वाई को, और तीसरा वाला जेड को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा वाला जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अब इसको हम कैसे बनाए, तो देखिए जरा इस तरीके से बनेगा। देखो कुछ इस प्रकार से, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैं जेड एक्सिस ऊपर क्यों ले रहा हूं, उसका एक रीजन है, क्योंकि मुझे मैं अगर जैसे जेड एक्सिस यहां लेता तो जेड एक्सिस को उस एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर ये हो जाता, लेकिन अब क्योंकि जेड एक्सिस की ही वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे, तो यहाँ अब मैं कहां से यहां शो कर दूं, ऐसे मैं कहां दिखाऊंगा, यहां पे थोड़ी दिखाऊंगा, इसलिए मैंने क्या करा एक्स को यहां ले लिया, वाई को यहां दिखा दिया क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, और जेड की यहां दिखा दिया। अब देखो ध्यान से देखो, एक्स पे कितना है 0, वाई पे भी 0, जेड पे -15। तो ये अगर प्लस जेड होता है तो नीचे वाला माइनस होगा, माइनस जेड एक्सिस, इस पे -15 कहीं अलाई कर रहा होगा, ये हो गया ठीक है। इसे ए पॉइंट दे दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 0.0-15, और ये किसमें है, ये आपका सेंटीमीटर में है ठीक है कि नहीं है। अच्छा दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस 15 तो वो कहीं यहां लाई कर रहा होगा, ये ओरिजिन होगा 100%, ये कितना है 0.0+15 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को, कुछ भी पूछना है नहीं। अच्छा अब क्या करेंगे, आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, तो अब जरा बताओ प्लस 15 यहां तक का कवर होगा और फिर -15 और कवर हो जाएगा, तो टोटल जरा बताइए बच्चों, टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस जरा बताओ, 15 ये 15 ये, 15 ये 15 ये, कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10^-2, और ये मीटर। अच्छा तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, अब मैं इसका सॉल्व करने के लिए डायग्राम को हटा देता हूं ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया होगा, तो मैं हटा देता हूं डायग्राम को ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसे सॉल्व करते हैं, हमें सब पता चल गया। तो इसे सबसे पहले फर्स्ट पूछा है टोटल चार्ज ठीक है, तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज क्या होता है क्यू ए प्लस क्यू बी ठीक है कि नहीं, क्यू नेट। तो क्यू ए की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10^-7 प्लस, और दूसरा वाला प्लस लेकिन साइन माइनस का है, तो -2.5 × 10^-7 प्लस माइनस माइनस, तो 2.5 × 10^-7 माइनस 2.5 × 10^-7 गया नेट चार्ज, जो टोटल चार्ज था वो कितना आया 0। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट सेकंड पार्ट की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टू ए, यानी आइदर चार्ज इंटू टोटल डिस्टेंस। तो आइदर चार्ज हम ले लेते हैं जैसे 2.5 × 10^-7 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 × 10^-2 ठीक है कि नहीं है। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 25 × 3 = 75, और 10^ कितना रह जाएगा -9 ठीक है। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन पूरा पूरा आपको, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है तो यूनिट हो जाएगी कूलम्ब इनटू मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10 पे जा रहे हैं, 1.10 ठीक है। अब 1.10 की तरफ जा रहे हैं, तो मैं दोबारा लिख रहा हूं 1.10 ठीक है। अब 1.10 में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो हमको गिवन है, कितना है P की वैल्यू गिवन है, कितनी है 4 × 10^-9 कूलाम इंटू मीटर ठीक है। एंगल दे रखा है हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अच्छा
इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्या पूछ रहा है आपको, टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इन दोनों के रिस्पेक्ट में है। हाँ जी बिल्कुल है, क्या फॉर्मूला है, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, पी कितना है, ये रहा पी, 4×10⁻¹, पी कितना है, 5×10⁻⁴, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2, लगाओ वैल्यू, 4×10⁻¹, 5×10⁻⁴, 1/2, 2 से 2 टाइम्स गया, 5×2 = 10, 10⁻¹⁵, दिस इज द आंसर। और टॉर्क है ये, तो टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन × मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.11, दिख रहा है, ऊपर हो गया थोड़ा, 1.11 ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अच्छा 1.11 में क्या है, एक पॉलिथीन पीस रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2×10⁻¹ कूलम, यानी आपको Q की वैल्यू दे रखी है 3.7×10⁻¹ कूलम, ये आपको गिवन है, ठीक है, Q की वैल्यू। अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यानी N की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो हमारे पास फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन का, ये इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो Q बराबर N, तो यहां से N निकाल सकते हो आप लोग, N क्या हो जाएगा, Q बाय E, जिसमें E इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो Q तो गिवन है, लगाओ 3.7×10⁻¹⁷ अपॉन E, E की वैल्यू कितनी है 1.6×10⁻¹⁹। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, मुझे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है दिखने में, ये 3.2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3.2 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये 3.2 है। तो अब जरा यहां से इसको काटो, पॉइंट से पॉइंट गया तो 16×2 = 32 हो गया, जरा करिए सॉल्व इसे, 2 और ये ऊपर चले जाएगा 10⁻¹⁷, और ऊपर गया तो +19, जरा सॉल्व करो कितना जाएगा, 2×10⁻¹⁷ कितना जाएगा, +30, ठीक है, 19 में से 7 गया तो 12 आते हैं, सॉरी, हाँ ये हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या होगा इसके बाद, N की वैल्यू आ गई, अब वो कह रहा है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूलन टू पॉलिथिन, फ्रॉम वूल टू पॉलिथिन, तो ये हमें अब चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या जानते हैं भाई, इतना तो हमें पता है, अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ मास क्या पॉसिबल है, किससे, वूल से पॉलिथिन में, हाँ है, क्यों, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन का अपना फाइनाइट मास होता है, वो हमें पहले से ही पता है, कितना होता है 9.1×10⁻¹⁹ होता है, ठीक है कि नहीं है, तो वो जब उसके खुद के पास एक फाइनाइट मास है इलेक्ट्रॉन के पास, तो 100% कोई ना कोई मास तो ट्रांसफर्ड होगा ही होगा। तो अब वो कितना मास ट्रांसफर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन का तो मास ट्रांसफर हो रहा है, इंटू एम कर दो। अब यहां पर एम ई की वैल्यू कितनी है, तो बच्चों अब इसका देखते हैं कितना फाइनाइट मास आ रहा है। तो सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था 9.1×10⁻¹⁹ kg, और n की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, ये रही n की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2×10⁻¹⁰, इसे मल्टीप्लाई कराओ इन दोनों से, तो कितना आ जाएगा 1.82×10⁻¹⁰ कितना आ जाएगा -18, ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि मास इतना है। तो खैर कह सकते हो कि ये नेगलिजिबल मास की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि मास अभी भी उसके पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1.12, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 2 आइसोलेटेड कॉपर स्पेयर है, ए और बी, और ये दोनों जो है एक दूसरे से किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है,
ठीक है, ये ए ये बी दोनों स्फीयर है, ठीक है, ये दोनों के सेंटर से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके बाद, इन दोनों का बीच में जो चार्ज है यानी क्यू ए और क्यू बी ये दोनों बराबर है, कितनी वैल्यू इन दोनों की भाई, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या करना है इन दोनों के लिए, जो द रेशियो ऑफ ए एंड बी आर नेगलेजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ देयर सेपरेशन। अब इसके बाद वो कह रहा है द रेशियो ऑफ ए एंड बी नेगलेजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ देयर सेपरेशन एंड ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वेट इज 0. ईच वेट, मतलब जो वेट का जो मास की तरह कैटेगरी में ले रहे हैं, लेकिन हमको भी पता है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, मास कैन नेवर बी अ वेट, बट वी आर कैलकुलेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट, सो द मास इज 0.5 kg, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसने क्या बोला, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये उसका सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को पहले देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, तो लगाओ जरा वैल्यू, के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बच्चों लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो वो फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं आपको ये फॉर्मूला लिख चुका हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, जरा देखो जरा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाएगा के, के की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है कि नहीं। चार्ज कितना कितना है, 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, यानी 50 × 10⁻²² का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 9 × 10⁹, अच्छा एक काम करते हैं, देखो फिर वही वाली बात सिखा रहा हूं कि नंबर नंबर वाले एक साथ लिख लो, 6.5 × 6.5 अपॉन 50 का स्क्वायर कर लो, तो 2500, ठीक है, और 10⁻⁷ वाले एक साथ ले लो, कितने हो गए, 14 में से 9 गए तो 5, कैसे मैंने 14 बोला, कैसे 9 आया, देखो 7 और 7 14 में से 9 गए तो 5, तो 10⁻⁷ हमारा रह जाएगा -5 अपॉन, यहां पे आ जाओ ये 10⁻⁴ -4, कहां से आया -4 भाई, 2 × 2 = 4, ठीक है, ये 2 0 गए तो -2 रह गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे डिवाइड दे दो, 5 × 5 = 25 1.3, 5 से फिर गया ये, अब यहां से मैंने ये 5 से इन दोनों काटा तो 1.3 और 1.3 आया, ठीक है। अब इसका आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1.3 × 1.3 होता है हमारा 1.69, और 1.69 का 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 9 = 81, 9 × 6 = 54, 54 + 8 = 64, 62 + 6 = 9, 9 + 9 = 15, तो हमारा आ जाएगा फाइनल वैल्यू 15.21, ठीक है, ये ऊपर गया 10⁻³ न्यूटन, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप इसे, 1.52 × 10⁻²⁺ न्यूटन, ऐसा होता है जब पॉइंट हमारी शिफ्ट होती है तो पावर भी लेस हो जाएगी, तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, इसे नोट डाउन करो फटाफट। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब बच्चों इसके बाद क्या करना है, आगे का सॉल्व करते हैं, इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो निकाल ही लिया है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के बाद अब हम लोग आगे का निकालेंगे, अब कौन सा निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹¹, मास कितना है, ये रहा देखो बच्चों, मास की वैल्यू कितनी है, 0.5 × 0.5 अपॉन डिस्टेंस,
अपॉन में डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, वो कितनी है 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट कट गया 0.5, ये सब गया, पूरा का पूरा गया। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन। जरा चेक करना, एक वैल्यू आ रही है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आ रही है 1.52 × 10⁻², और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ रही है 6.67 × 10⁻¹⁻। बताना कौन सा बड़ा इन दोनों में से, ये पावर माइनस टू है, ये माइनस इलेवन है। जितनी पावर पॉजिटिव की तरफ ज्यादा होगी उतना ही वो फोर्स भी ज्यादा ग्रेटर होगा, ये जितनी वैल्यू नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाती जा रही है उतना ही फोर्स कम होता जा रहा है, तो यानी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि अगर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें निकालना है जिसमें चार्ज जो है अब उसको हमें डबल करना है, यानी कि जो अभी Q1 था अब उसे 2Q1 लिखना है, और ऐसे Q2 को भी 2Q2 लिखना है, ये वो कह रहा है। और डिस्टेंस जो है वो हाफ कह रहा है, यानी R की वैल्यू को वो कह रहा है पहले के मुकाबले अब कितनी हो जाएगी, यानी R डैश मान लो R/2 करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वैल्यू अब आपको यहां पे पुट करनी है, तो कैसे पुट करेंगे, देखो यार इस फॉर्मूले में लगाओ, F बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 / R² लगाना है ना, K तो है ही है, Q1 कितना है 2Q1, Q2 कितना है 2Q2 अपॉन R, R कितना है R/2 और उसका स्क्वायर। अब जैसे आप स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 पहले से है तो कितना आ गया 16 टाइम्स। तो अब लिख सकते हैं हम लोग, जरा मैं इसे हटा रहा हूं, ऊपर हटा देता हूं, ठीक है इसको हटा देता हूं, तो देखो जरा मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये 2 और 2 मिलके हो गए 4, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 4 और वो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो अब जो फोर्स हो जाएगा नया फोर्स जिसे F डैश कह रहे हैं तो 16 टाइम्स हो जाएगा पहले के मुकाबले, 16K Q1 Q2 / R², और आप इतने की वैल्यू भी निकाली हुई है, क्या निकाली हुई है ये रही, कितनी है 16 × 1.52 × 10⁻²⁻¹ -2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है मल्टीप्लाई कराओ 1 पॉइंट और इसको, तो 16 बन जाए 16 लगभग ऐसे आ जाएगा, इन दोनों का आपने जब मल्टीप्लाई कराया तो वो वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.24 न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद अगला पार्ट क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है और सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट कह रहा है कि जो ये फोर्स है आपने जो निकाला है ये आपने नॉर्मल फ्री स्पेस में निकाला था, अब उसने मीडियम में डाल दिया है, मीडियम मतलब क्या आ गया, अब वो कह रहा है कि दिस नाउ प्लेस्ड इन वॉटर, वो वॉटर की बात कर रहा है, तो ये मीडियम चेंज हो गया। अब मीडियम को जब हम लोग बात करते हैं मीडियम के रिस्पेक्ट में तो जो फ्री स्पेस का फोर्स होता है उसमें के का डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगी वैल्यू फ्री स्पेस जो आपने एयर की निकाली थी, यानी 1.5 × 10⁻², ठीक है यही निकाली थी, और अपॉन जो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की के की वैल्यू दे रखी है ये गिवन है 80, तो के की मैं 80 का डिवाइड दो तो कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड दो, पॉइंट हटाया 0, ये दोनों कितने हो जाएंगे ऊपर जाके -4, तो -4 और 8 से इसे डिवाइड दे दो तो लगभग 1.9 के आसपास। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब बच्चों देखो सुनो, वीडियो काफी बड़ी हो गई है, एक मतलब लगभग 45-50 मिनट की तो आराम से हो गई है, अगर अब मैं अगली वीडियो उसकी पार्ट टू करके डालूंगा यो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल की फर्स्ट चैप्टर की, तो अभी आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, जिसका नाम है स्टडी विथ फिजिका अकेडमी। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।